भारत में वैश्विक मताधिकार एक बार में ही क्यों लागू कर दिया गया, क्रमशः क्यों नहीं? इस पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, मेरे विचार से तो सत्तारूढ़ दल वैश्विक मताधिकार के सिद्धांत के प्रति इतना प्रतिबंध था कि विचार विमर्श के अंत में उन्हें इसकी उपयोगिता के बारे में संदेह महसूस करने के बावजूद वह इससे मुंह नहीं मोड़ सके। व्यक्तिगत रूप से डॉक्टर बाबा साहब कहते हैं, मैं वैश्विक मताधिकार से कतई भयभीत नहीं हूँ। मैं उन थोड़े से लोगों में से हूँ जो जनता के निरंतर संपर्क में रहते हैं, और मुझे दृढ़ विश्वास है कि वैश्विक मताधिकार के बारे में किसी प्रकार की गलतफहमी होने या गलत बयानी किए जाने का कोई डर नहीं है। वैश्विक मताधिकार के बारे में केवल एक कठिनाइयां मैं महसूस कर रहा हूं, और वो है इस देश में मताधिकार की इतनी विशाल संख्या से मताधिकार कराने की हमारी कमजोर सरकारी मशीनरी की क्षमता। मेरे विचार से इस कठिनाइयों से पार पाने का एक ही तरीका है, सभी निर्वाचन क्षेत्रों में एक दिन मतदान कराने के बजाय विभिन्न चरणों में यह प्रक्रिया संपन्न कराना, ताकि सरकारी मशीन की कार्यक्षमता प्रभावित न हो, ऐसा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि वैश्विक मदद का एक बार में ही लागू कर दिया गया।